हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नया टॉपिक अकाउंट्स का है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। तो लेखांकन करने के लिए कौन कौन से सिद्धांतों की पालना की जाती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली ये गैप के द्वारा दिए गए हैं या गाप के द्वारा दिए गए हैं, जिसके फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। देखो, ये के द्वारा भी नहीं, हम लोग आम तौर पर ये बात कर सकते हैं कि जो लेखांकन इंडिया में किया जाता है वही लेखांकन अमेरिका में भी किया जाता है। तो ये कुछ सामान्यता की सामान्य तौर पर जिसे सब जगह पर स्वीकृति मिली हुई है, कुछ ऐसे सामान्य प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जो संसार के, विश्व के हर देश, हर बिजनेस के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो वो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, जिन्हें लेखांकन अवधारणाएँ बोला जाता है, और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिन्हें लेखांकन परिपाटियां बोला जाता है। हम सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मतलब कुछ मूल अवधारणाएं क्या हैं, हम सबसे पहले अवधारणाएं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली अवधारणा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो, एंटिटी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, पहचान। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी समाज में एक अलग पहचान है, कोई राम के नाम से जाना जाता है, कोई श्याम के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ये पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो कहता है कि बिजनेस का भी एक पृथक अस्तित्व होता है। तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय यानी कि बिजनेस और व्यवसाय के स्वामी यानी कि प्रोपराइटर यानी कि जो बिजनेस का ओनर है, इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। इसीलिए जो राशि स्वामी पूंजी के रूप में व्यवसाय में लाता है, देखो जो राशि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं, उसे हम पूंजी बोलते हैं। तो जो कैपिटल एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लेकर आता है उसे बिजनेस अपने लिए क्या मानेगा, दायित्व मानेगा। व्यवसाय के लिए वह दायित्व मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो माना ये जाता है कि बिजनेस ने एक प्रकार से उधार लिया है बिजनेसमैन से, क्योंकि दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। इसीलिए जो पूंजी के फॉर्म में राशि लगाई जाती है उस राशि को, उस कैपिटल को, उस पूंजी को एक बिजनेस जब लेखांकन करेगा तो अपनी लायबिलिटीज मानेगा, अपना दायित्व मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। देखो, लेखांकन शब्द का अर्थ होता है अंकों का लेखा जोखा करना। अब इसमें अंक है, मात्रा है, गुण तो है नहीं है, तो इसलिए इस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं व्यवहारों का, मतलब केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग बुक्स में, लेखा पुस्तकों में लिखेंगे जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है, जिनको हम मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट कर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे चार कुर्सियों को, चार टेबल को नहीं, बल्कि चार कुर्सियों की क्या कीमत है पैसे की फॉर्म में, मुद्रा की फॉर्म में। बिल्कुल इसी तरीके से चार टेबल्स की क्या कीमत है मुद्रा की फॉर्म में। अर्थात ऐसे व्यवहार या लेन देन, मतलब ऐसे बिजनेस इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस
जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता उन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता, चाहे वे व्यवसाय के लिए कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, मतलब कितने भी इम्पोर्टेंट हों, लेकिन अगर हम उन्हें मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम उन्हें हमारी लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। लाइक एग्जाम्पल है कर्मचारियों की मेहनत। कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉई कितनी मेहनत कर रहा है, अब उसका ये मेहनत जो है वो गुणात्मक तत्व है, एक मात्रात्मक तत्व नहीं है, तो इसलिए हम इसे मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। कर्मचारी की बेईमानी, इसको भी अगर हम मनी की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता मतलब निरंतर चल रहा है, तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की स्थापना यह मानकर की जानी चाहिए या यह मानकर की जाती है कि व्यवसाय अनंत वर्ष तक चलता रहेगा। देखो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो वो ये सोचकर तो नहीं स्टार्ट करते हो या ये सोचकर तो नहीं स्टार्ट करोगे कि अगर मैंने आज बिजनेस शुरू किया है तो कल या एक महीने बाद या एक साल बाद या दो साल बाद, दस साल बाद मैं इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता ना। जब भी कोई इंडिविजुअल बिजनेस शुरू करता है, सेटअप करता है, तो वो हमेशा यही सोचता है कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा और मेरा बिजनेस मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा चले। कोई भी ये फुल स्टॉप तो नहीं अपनी तरफ से सोच के चलता कि मैं अपने बिजनेस को बंद करूंगा। तो इसलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये कहता है कि व्यवसाय निरंतर रूप से अनंत वर्षों तक चलता रहेगा। लास्ट, लेखांकन अवधि अवधारणा। इस वीडियो के लिए लास्ट है लेखांकन अवधि अवधारणा। अब देखो, ऊपर वाले पॉइंट से ही लिंक्ड है। हमने ऊपर बोला कि बिजनेस निरंतर रूप से चलता रहेगा। अब अगर बिजनेस निरंतर रूप से चलता रहेगा तो मैं वेट थोड़ी ना करूँगी कि मेरा बिजनेस कब बंद होगा और मैं तब जाकर ये देखूँ कि मैंने अपने बिजनेस से क्या कमाया। तो क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलता है, अनंत वर्ष तक चलता रह सकता है, इसलिए हम बिजनेस की लाइफ को, हम बिजनेस के जीवन को छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अंडर कवर किया जाता है, लेखांकन अवधि अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन अवधि एक वर्ष की होनी चाहिए। इसीलिए नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने वित्तीय विवरण एक वर्ष के अंत के दौरान तैयार करते हैं, क्योंकि बिजनेस का अवधि, बिजनेस की अवधि, लेखांकन अवधि एक वर्ष की के लिए तैयार की जाती है, तय की गई है। तो सामान्यतः यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है, जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखो, ये जो 1 वर्ष का 12 महीने वाला टाइम पीरियड है, ये जनवरी से दिसंबर तक का भी हो सकता है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारे यहाँ इंडिया में इनकम टैक्स लॉ प्रिवेल कर रहा है, आयकर वाला कानून, वो कहता है कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाना चाहिए। तो इसलिए सामान्यतः ज़्यादातर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 अप्रैल 2019 को हम एक ईयर शुरू करेंगे तो वो अगले साल की मार्च को ख़त्म होगा। तो इस तरीके से 12 महीने बन जाएंगे और इस 12 महीने वाले टाइम पीरियड को हम वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ ये 4 कंसेप्ट्स, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।